नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ सिविल इंजीनियर प्रीतिश। दोस्तों, आज हम 45 फीट बाई 20 फीट घर का नक्शा का डिज़ाइन करेंगे। इसमें आज हम देखेंगे इसमें आपका कितना रूम रहेगा, कितना पिलर रहेगा, और दोस्तों आज के डेट में इस घर को बनाने के लिए कितना पैसा दोस्तों खर्चा पड़ेगा। दोस्तों, इस तरफ से आपका आपको मिलेगा 45 फीट, इस तरफ से आप लोगों को मिलेगा 20 फीट। अब इसका डायरेक्शन पहले अच्छे से देख लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये आपका ईस्ट फेसिंग रहेगा, पूर्वमुखी घर का नक्शा। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे पूजा रूम मिल जाएगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में पूजा रूम का प्लेसमेंट किया गया है। इसका जो साइज़ के बारे में अगर हम बात करें तो 4 फीट आप लोगों को इस तरफ से मिलेगा, 6 फीट 9 इंच आप लोगों को इस तरफ से मिलेगा। दोस्तों, ये हो गया आपका पूजा रूम। तो यहाँ पे आप अगर आएंगे, आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट आपका आग्नेय कोण में किचन का प्लेसमेंट किया गया है। ये हो गया आपका पूजा रूम, ये हो जाएगा दोस्तों आपका किचन। किचन का जो साइज़ रहेगा ये आपका 8 फीट दोस्तों इस तरफ से आप लोगों को मिलेगा, 6 फीट 9 इंच आप लोगों को इस तरफ से मिलेगा। ये हो गया पूजा रूम और किचन रूम। तो उसमें देखिए, इसका पूजा रूम के बगल में आपको यू शेप का स्टेयरकेस मिल जाएगा। आप ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट लेके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपको एक विंडो देखने को मिल जाएगा वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे एक विंडो दिया गया है। दोस्तों, मैं डोर विंडो का डिटेल्स भी आप लोगों को सारा का सारा बताऊँगा, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ये हो गया आपका स्टेयरकेस। तो यहाँ से आप अगर यहाँ पे आएंगे तो आप इसको एज ए हॉल यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज ए डाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो साइज़ रहेगा 17 फीट 1 इंच आप लोगों को इस तरफ से मिलेगा, 8 फीट 11 इंच आप लोगों को इस तरफ से मिल जाएगा। तो इसके आगे आप लोगों को एक बेडरूम मिल जाएगा, बेडरूम नंबर 1 इसको लिख लेते हैं। इसका जो साइज़ रहेगा 12 फीट दोस्तों आप लोगों को इस तरफ से मिलेगा, 9 फीट आप लोगों को इस तरफ से मिलेगा। तो यहाँ पे आप डबल बेड लगाने के अलावा आप अगर चाहें तो इंटीरियर का फर्नीचर वगैरह भी आप आराम से यहाँ पे प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो उसके बगल में आप अगर देखेंगे यहाँ पे आपको एक कॉमन टॉयलेट मिल जाएगा। इसका जो साइज़ रहेगा 5 फीट दोस्तों इस तरफ से मिलेगा, 5 फीट 7 इंच आप लोगों को इस तरफ से मिलेगा। ये हो जाएगा एक कॉमन टॉयलेट। दोस्तों, इसको मैं कॉमन टॉयलेट रखा हूँ, आप अगर चाहें तो इस बेडरूम में इससे अटैच भी कर सकते हैं, आपके मन मुताबिक आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके आगे आप अगर देखेंगे फिर से आप लोगों को एक कॉमन टॉयलेट देखने को मिल जाएगा। इसका भी दोस्तों अगर साइज़ के बारे में बात करें तो सेम साइज़ रहेगा, 5 फीट इस तरफ से, 5 फीट 7 इंच आप लोगों को इस तरफ से मिल जाएगा एक फिर से कॉमन टॉयलेट दोस्तों। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बेडरूम नंबर 2 मिल जाएगा, बेडरूम नंबर 2। इसका जो साइज़ रहेगा 9 फीट आप लोगों को इस तरफ से मिलेगा, 12 फीट दोस्तों आप लोगों को इस तरफ से मिल जाएगा। ये हो जाएगा बेडरूम नंबर 2। ये सेम साइज़ है, ये बेडरूम नंबर 1 का जो साइज़ था, बेडरूम नंबर टू का भी वही सेम साइज़ रहेगा। तो उसके पास में और एक बेडरूम आप लोगों को मिल जाएगा, बेडरूम नंबर 3 दोस्तों। इसका भी जो साइज़ रहेगा सेम साइज़ रहेगा, 9 फीट इस तरफ से, 12 फीट इस तरफ से आप लोगों को मिल जाएगा। ये हो गया पूरा टोटल हमारा प्लान। अभी दोस्तों देख लीजिए, ये हो गया आपका डोर, ये आपका विंडो, यहाँ पे विंडो, ये वेंटिलेटर, यहाँ पे आपको विंडो मिलेगा, विंडो, ये वेंटिलेटर, ये आपका विंडो रहेगा दोस्तों। दोस्तों, ये हो गया पूरा टोटल हमारा प्लान। अभी दोस्तों डोर विंडो के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बस बता देता हूँ, अभी जो मेन डोर रहेगा उसका जो साइज़ रहेगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 4 फीट बाई 7 फीट आपका मेन डोर का साइज़ रहेगा। बेडरूम में जितना डोर आप देख रहे हैं इसका साइज़ रहेगा 3 फीट बाई 7 फीट, और टॉयलेट में जो डोर का साइज़ रहेगा 2 फीट बाई 7 फीट टॉयलेट का डोर रहेगा। अभी दोस्तों विंडो के बारे में अगर हम बात करें, बेडरूम में जितना सारा आप विंडो देख रहे हैं बेडरूम में और ये हॉल में जो विंडो आप देख रहे हैं उसका साइज़ रहेगा 4 फीट बाई 4 फीट। किचन में जो विंडो रहेगा उसका जो साइज़ रहेगा 3 फीट बाई 4 फीट। पूजा रूम में जो विंडो रहेगा वो रहेगा आपका 2 फीट 6 इंच बाई 4 फीट, और यहाँ पे जो स्टेयरकेस में आप विंडो देख रहे हैं ये आपका 3 फीट बाई 4 फीट रहेगा, ताकि ये जो स्पेस है आप लोगों को कुछ
छोटा सा स्पेस मिलेगा, इतना स्पेस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पूरी तरीके से प्रॉपर रोशनी दोस्तों घर के अंदर आ पाएगा। तो ये हो गया डोर और विंडो के बारे में। अभी दोस्तों हम बात करेंगे इसमें आपका कितना पिलर रहेगा, कहाँ कहाँ पे पिलर रहेगा। पिलर दोस्तों देखिए यहाँ पे रेड कलर के पेन में मैं जो पिलर का मार्किंग कर रहा हूँ ये इसका पिलर रहेगा। जो बॉक्स टाइप का मैं बना रहा हूँ आप ध्यान से देखते जाइए, ये हो गया एक। तो दोस्तों पिलर का प्लेसमेंट अभी हो गया है। पिलर अगर हम काउंट करें तो दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका यहाँ पे एक रहेगा, 8 1 9 10 11 12 13 14। तो दोस्तों कुल मिला के 14 पिलर आप लोगों को इसमें मिलेंगे। 14 पिलर में ये घर बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसका साइज़ के बारे में अगर बात करें, एरिया के बारे में, आपका 900 स्क्वायर फीट इसका एरिया हो रहा है। तो इसका कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आज के डेट में आप अगर इस नक्शा में घर बनाएंगे तो दोस्तों आप लोगों को 11 से 12 लाख आप लोगों को खर्चा हो जाएगा। 11 से 12 लाख रुपए में ये घर बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। दोस्तों देखिए घर बनाने के टाइम क्या होता है कि कुछ मिसलानियस खर्चा भी हो जाता है, इधर उधर का खर्चा हो जाता है, उसको अगर आप मिलाएंगे दोस्तों तो 11 से 13 लाख रुपये में ये घर बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का हमारा नक्शा, आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर चैनल पे आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।